माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ऑन साइंस। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था ह्यूमन डाइजेशन और आज हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो इसको डिस्कस करने से पहले ये जानते हैं कि अमीबा क्या होता है। तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है या फिर हम उसको अंडर अ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एक सेल से मिलकर बना होता है। जितनी भी सारी लाइफ प्रोसेस होती है वो इसी एक सेल के अंदर होती है। तो क्या हुआ, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है और एक डेंस राउंडेड न्यूक्लियस होता है और क्या होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बबल लाइक शेप में। ये रहे वैक्यूल्स, न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन। ये लगातार अपनी शेप और अपनी पोजिशन चेंज करता रहता है। एक कॉन्स्टेंट शेप नहीं होती, लगातार उनकी क्या होती है, शेप चेंज होती रहती है, शेप यूनिफॉर्म नहीं होती। ह्यूमन डाइजेशन की तरह ही अमीबा का डाइजेशन भी 5 स्टेप में होता है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो नंबर 1 इज इंजेशन। इट पुशेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स। सूडोपोडिया की हेल्प से ही अमीबा मूव करता है, उसकी बॉडी में मूवमेंट होती है। तो दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को पुश आउट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। वो फूड को कैप्चर करते हैं कैसे, वो ये दोनों जैसे सूडोपोडिया हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब डाइजेशन कैसे होता है, जो साइटोप्लाज्म में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सब इस फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे और फूड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस को। वो फूड वैक्यूल पहले किसमें था, वो था हमारा इनसोल्यूबल और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को चेंज कर देंगे सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में। उसके बाद में उसका होगा अब्सॉर्प्शन। अब अब्सॉर्प्शन कैसे होगा, जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, अब्सॉर्ब फूड। एंड देन उसके बाद में होता है एसिमिलेशन। उस फूड का, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसका बॉडी यूटिलाइज करती है अपनी ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके बाद में होता है इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी, जो हमारा अमीबा का सेल मेम्ब्रेन है, वो रप्चर होती है और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर हो जाता है। तो अब समझते हैं, ये फूड वैक्यूल सूडोपोडिया फ्यूज होंगे और ये इसके अंदर आ जाएगा, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम जाएंगे फूड वैक्यूल के अंदर एंड देन सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसका होगा अब्सॉर्प्शन और जो फूड होगा वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। उसके बाद में उसका यूटिलाइजेशन होगा बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी के लिए और उसके मल्टीप्लीकेशन के लिए। और उसके बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये था हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ऑफ साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।